नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड साइंस और टेक में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त आपकी चौधरी। तो गाइस, इस चैनल पे आज एक नई सीरीज शुरू होने वाली है जिसका नाम है फूड टेक टॉक्स। तो गाइस, इस टॉक्स में मैं आपको बताने वाला हूँ फुली अपडेट क्या चल रहा है हमारे फूड इंडस्ट्री में। तो गाइस, अगर आपको ये पसंद आई मेरी चीज तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करते हुए जाना, बहुत ही मेहनत लगती है। चलिए गाइस, सीधा वीडियो पे चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। जिसमें गाइस पहला अपडेट आता है हमारा FSSAI वालों की तरफ से। उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करी है कि मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं कि अपने चीप सिरप यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ हनी। हनी को प्रोड्यूस करने के लिए चीप सिरप यूज कर रहे हैं, जैसे गोल्डन सिरप, इनवर्ट सिरप, राइस सिरप और काफी काफी ऐसे सिरप है जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं हनी को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब इससे होता क्या गाइस, उसका टेस्ट और फ्लेवर और कंसिस्टेंसी बिल्कुल हनी की तरह होती है, वो चीप पड़ता है उन्हें मैन्युफैक्चर की तरह, मैन्युफैक्चर को और इजीली प्रोड्यूस करवाते हैं वो हनी को। गाइस, अगला अपडेट आता है हमारा फार्मर की तरफ से। तो फार्मर को गाइस बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। तो गाइस इसमें क्या है गाइस, जो फार्मर्स है पहले से रिस्ट्रिक्शन होती थी कि अपना वो प्रोड्यूस एक प्राइस पे ही बेच सकते हैं और इतने ही प्राइस पर सेल करके अपना प्रॉफिट मार्जिन करता था। लेकिन आज की डेट में ड्यू टू COVID-19 क्राइसिस की वजह से सरकार ने सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए है। फार्मर को इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट जाने के लिए जा सकते हैं, वहां पे अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं और सेल कर सकते हैं, उन्हें प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका ये सारा एक्ट आता है APMC में। गाइस, APMC क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कमोडिटी एक्ट होता है गाइस, जिसके अंडर ये सारी लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है फार्मर्स। तो गाइस अगला अपडेट आता है हमारा लीकर, मतलब कि दारू की दुकानों से। गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन में सारी दारू की दुकानें बंद थी, तो इस पर ही क्या करा है, तो सारी दुकानें बंद थी तो बाद में जब खोली तो बड़ी बड़ी लाइनें लग गई बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग के। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या करा है कि एक ऐप बनाने की सोच रहे, जिसमें से जो हमारे कह सकते हैं अल्कोहल अडिक्ट पर्सन है वो अपना टोकन खरीद सकते हैं, टोकन ले सकते हैं ऐप के थ्रू, और जैसे उन्हें पता लग जाएगा उनका टोकन आ गया तो वो वहां पे लिकोर शॉप में जाके अपनी लिकोर खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से होगा क्या गाइस, सोशल डिस्टेंसिंग होगी और COVID-19 से हम सेफ रहेंगे और वो भी सेफ रहेंगे। तो गाइस अगला अपडेट आता है हमारा एक लेटेस्ट ट्रेंड। गाइस लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे हैं जो हमारे फूड है, वो जो कि है फ्रोजन फूड, जो कि आजकल आप देख सकते हैं गाइस लेटेस्ट ट्रेंड चल चुका है। अगर आप 2018 में देखें तो कम से कम ये $74 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते थे इंडिया में, और एक्सपर्ट का कहना है कि 2024 में ये कम से कम $188 बिलियन का बिजनेस होने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं कितनी जल्दी इंडस्ट्री इंक्रीज होने वाली है। तो इससे होगा क्या गाइस, देखो फ्रोजन फूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हम फूड को बहुत इजीली बना सकते हैं, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर उन शहरों में है, सिटीज में है, जो मेट्रो सिटीज होगी हमारी, जहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा कम है, कुकिंग करने के लिए टाइम नहीं है, तो गाइस वो फ्रोजन फूड लेके आते हैं और उसे बना लेते हैं और उसे खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिसमें लैक कर रहा हो न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है गाइस। ये परौंठे देख लो, परौंठे बन के आ रहे हैं, मैगी बन के आ रही है आजकल, तो नूडल्स बन के आ रहे हैं, डिशेज मीट प्रोडक्ट, हमारे समोसा तक फ्रोजन बन के आ रहे हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है आजकल की डेट में। अगर गाइस कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें बात सुन रहा है तो गाइस ये पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे हमारा बेस्ट और मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा फ्रोजन फूड होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं अपने टर्नओवर को इंडिया में। तो अगला अपडेट आता है गाइस हमारा फूड बिजनेस ऑपरेटर में। गाइस फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी कि इन्होंने बताया कि कैसे COVID-19 के दौरान कैसे फूड इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत उन्हें नुकसान हुआ। वैसे देखा जाए तो फूड इंडस्ट्री को बहुत ही
कम लॉस हुआ है एज कम्पेयर टू बाकी इंडस्ट्री। अगर देखा जाए तो फूड इंडस्ट्री को आज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज और टर्नओवर, उनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। लेकिन एज अगर देखें COVID-19 के सिचुएशन में, जो हमारा लॉकडाउन था तो वन बॉर्डर टू अनदर बॉर्डर हम जा नहीं सकते थे, तो उनका जो सप्लाई चेन थी पूरी ठप हो चुकी थी, डिमांड बढ़ती जा रही थी, सप्लाई हो नहीं पा रही थी, तो करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ इस टाइम पे। लेकिन आज के वक्त जो कि लॉकडाउन खुल चुका है, तो बहुत ही इजी तरह इजी जा सकता है फूड प्रोडक्ट वन स्टेट टू अनदर स्टेट। पर गाइस इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे ब्रेड इंडस्ट्री को, क्योंकि ब्रेड ब्रेड गाइस बहुत ही पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है। इसे मतलब कि 2-3 मंथ के अंदर कंज्यूम करना होता है, या 2-3 वीक के अंदर कंज्यूम करना होता है। लॉकडाउन के दौरान जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारी ब्रेड इंडस्ट्री और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री को, क्योंकि सारी लेबर माइग्रेट कर गई है अपने घरों पे। तो गाइस इसके आगे इससे आगे अपडेट आता है हमारा FCI। तो गाइस FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो गाइस आपने एक न्यूज़ आई होगी आज 3-4 दिनों से, आपको न्यूज़ सुनी आई थी, न्यूज़ सुनी होगी कि 65 टन अनाज हमारा वेस्ट हो गया है। बिल्कुल ये न्यूज़ मैं गाइस आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन हुई है न्यूज़ चैनलों पे इसकी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि हमारा 64 टन 4 मंथ में वेस्ट हो चुका है। ये गाइस बिल्कुल फेक है, बहुत ही गलत है उनका। ये FCI ने ऑफिशियल, उनके कह सकते हैं हमने बड़े बड़े सीनियर्स ने ये पूरी न्यूज़ को गलत डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के लिए गाइस मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको पढ़ना हो तो वहां से पढ़ लेना। तो गाइस इससे आगे आता है हमारा स्नैप ऑर्डर ऐप। गाइस स्नैप ऑर्डर ऐप जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि एक स्नैप ऑर्डर ऐप एक किराना ऑर्डर ऐप है, जिसमें आप किराना मतलब कि जो भी आप लेना चाहते हो आराम से उसे शॉप कर सकते हैं उस ऐप पे। इस ऐप की ग्रोथ ड्यूरिंग लॉकडाउन 6S मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, 6 टाइम इंक्रीज हो चुकी है एज कम्पेयर टू लॉकडाउन जब नहीं था। तो वह इस पे गाइज ज़्यादातर बेंगलुरु में जो लोग थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसको प्रेफर करा, उसमें से अपना प्रोडक्ट लेना, और कोई भी आटा सामग्री लेके आनी हो, कन्फेक्शनरी आइटम लेके आनी हो, वहाँ से वो आप ले सकते हैं गाइस। ये ऑनलाइन डिलीवरी भी आपको करते हैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं होगा, इसमें अपडेट बता रहा हूँ। ये भी एक है ऐप, स्नैप ऑर्डर ऐप। तो गाइस अगला अपडेट, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस प्लीज इसे लाइक करते हुए जाना, शेयर करते हुए जाना। अगर आपका कोई भी सुझाव है इस वीडियो को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं तो गाइस इसके बारे में मुझे बताना ना भूलना। जब तक मिलते हैं आपको मैं अगली वीडियो में, जब तक नहीं जाएंगे।